जैसा कि आपने देखा है कि एक हेलो आके सारे 11 लोगों को रेस्क्यू करके गया। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हेलो रेस्क्यू करे ना करे, इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों को जब वार्निंग दी गई है तो वो समंदर में ना जाएं। देयर वाज ऑलरेडी एन वार्निंग इशूड बाय कोस्ट गार्ड 4 डेज प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ साइक्लोनिक सिनेरियो, तो जिसमें बोट्स का समंदर में जाना इट्स वेरी अनसेफ। सो आई वुड रिक्वेस्ट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू टेक एक्शन सो दैट आगे ऐसी एक्टिविटी ना हो। प्रेजेंटली हमारे पास टोटल 18 कोस्ट गार्ड के स्टाफ हैं कोस्ट गार्ड स्टेशन गोपालपुर में। हमने कोऑर्डिनेट किया भुवनेश्वर के साथ, वहाँ से एक हेलीकॉप्टर आया जिन्होंने आके रेस्क्यू करके आपको ज़मीन पर सारे मछुआरे ऑलमोस्ट जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिली ऑलमोस्ट 40 मिनट में देर वॉज ए क्विक रिस्पॉन्स बाई द हेलीकॉप्टर और यहाँ आके उन्होंने बारी बारी से एक एक को ड्रॉप किया है जो आप लोगों ने देखा है। दे हैड गॉन टू वाइजैग फॉर परचेज ऑफ फिशिंग नेट्स, जो आज आने वाले थे अपने सोनपुर फिशिंग हार्बर में, वो आ नहीं पाए। उनका बोट में जो इंजन था वो ख़राब हो गया था जिसकी वजह से दे वेंट अड्रिफ्ट।